नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि 40 से लोकसभा सीट जीतने का दावा जो है बीजेपी कर रही है। हालांकि 40 में से कितने सीट बीजेपी के खाते में आएंगे ये तो समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से अपने दमखम में बीजेपी जुटी हुई है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए जो है वह चुनौतीपूर्ण इस बार का लोकसभा चुनाव रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी सांसद, और इनसे जानेंगे कि सर, लगातार आप लोगों की बैठक हो रही है, मैराथन बैठक जारी है, आप लोगों की क्या बात हो रही है, क्या लगता है कि जो 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं 40 में से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यक्रम करती रहती है। अन्य क्षेत्रीय दल लोग चुनाव जब आता है तभी दिखता है, तो हम लोग अपना रूटीन वर्क में काम कर रहे हैं। और 40 सीट जीतने की बात है तो पहले आप देखें, गठबंधन जब थी यहाँ तब भी हम 39 सीट जीते थे, और इसके पहले जब गठबंधन नहीं थी तब भी हम 22 सीट प्लस और जो सहयोगी दल था वो जीता था। तो ऐसा नहीं है, हम लोग 40 की तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों से, महागठबंधन से लोग बिहार का उब चुका है, निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का 40 का 40 सीट जीतेंगे। लेकिन पिछले अगर चुनाव की बात करें 2019 का, तो उसमें नीतीश कुमार आपके साथ है, इस बार नीतीश कुमार आपसे अलग है। नीतीश कुमार तो अलग हैं, और आपको पता भी होगा कि 17 सीट उस समय बीजेपी लड़ी थी, 17 का 17 जीती थी, और भाई नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर हिंदुस्तान की जनता भरोसा करती है, खास करके बिहार की जनता भरोसा कर रही है। निश्चित रूप से हम 40 का 40 सीट जीतेंगे। नीतीश कुमार को लेकर के आप लोगों ने स्पष्ट कह दिया कि अब बीजेपी में शामिल। देखिए, नीतीश कुमार को बिहार की पब्लिक अपना बोझ समझ रही है, अब तो चुनाव आएगा तभी पता चलेगा कि कितनी उनकी कद है। लेकिन अब इतना ही है कि धरातल पर जब जाके देखिएगा तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की अब जो व्यवस्था है एक बोझ के तौर पे बिहार समझ रही है, बिहार की जनता समझ रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने भी तो कह दिया ना कि मर जाना कबूल करेंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। अरे, तो उनको लाता कौन है भाई, उनको लाता कौन है कि लाने के लिए परेशानी है, जहाँ हैं वहाँ रहे। लेकिन लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद नीतीश कुमार के साथ है। अब देखिए, एक आशीर्वाद का समय होता है, लालू प्रसाद जी का दिन तो खुदे लद गया है, तू क्या किसी को आशीर्वाद देंगे। लेकिन 24 का जो चुनाव होना है लोकसभा का, तो महागठबंधन में 7 घटक दल है। आपको पता होना चाहिए ना, देश का चुनाव है, बिहार प्रदेश का चुनाव नहीं है। देश के लिए प्रधानमंत्री चुनना है, उसके लिए वोटिंग होगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। भाई नरेंद्र मोदी को आज की डेट में हिंदुस्तान की जनता बहुत मोहब्बत करती है, और हमने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, इसी बेस पर हम निश्चित 40 का 40 चुनाव जीतेंगे और लोकसभा में मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। अरे, उनको बिहार का मुख्यमंत्री मटेरियल पब्लिक कभी समझी ही नहीं, कभी पूर्ण बहुमत दी ही नहीं, कभी आरजेडी के सहारे तो कभी बीजेपी के सहारे मुख्यमंत्री बने, उनको कौन मटेरियल समझता है। अपने आप को पेश कर लेना कि हम पीएम मटेरियल हैं, वो अलग विषय है। लेकिन देखिए, बातों ही बातों में इन्होंने बड़ी बात कह दी है। सतीश जी बीजेपी सांसद हैं, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि नीतीश कुमार अब वो बोझ बन चुके हैं, अब उनका दिन नहीं रहा है। हालांकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और खुद नीतीश कुमार मिलकर के तमाम देश के विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे, लेकिन यहाँ बातें जो हैं सीधा विपरीत हो गया है। अब चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं, नीतीश कुमार जिस तरह से कह दिए कि हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन जब जब वो इस तरीके के बात किए हैं तब तब बिहार में तस्वीर जो है बदलती दिखी है। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।